आज का हमारा टॉपिक है इक्वेशंस इन्वॉल्विंग रेडिकल्स बट रिड्यूसेबल टू लीनियर फॉर्म। सबसे पहले हम डेफिनेशन को डिस्कस करते हैं। व्हेन द वेरिएबल इन एन इक्वेशन ऑकर्स अंडर अ रेडिकल द इक्वेशन इज कॉल्ड अ रेडिकल फॉर्म। अब हम एक नोट को डिस्कस करते हैं। रेजिंग ईच साइड टू एन ऑड पावर विल ऑलवेज गिव एन इक्विवेलेंट इक्वेशन, वेयर एज रेजिंग ईच साइड टू एन इवन पावर माइट नॉट डू सो। अब हम इस बात की इंप्लीमेंटेशन के लिए एग्जाम्पल वन को कंसिडर करते हैं। इस एग्जाम्पल में हमें ये दो एक्सप्रेशन दिए गए हैं। सबसे पहले हम ए एक्सप्रेशन को डिस्कस करेंगे। इस एक्सप्रेशन में जब -7 को इज इक्वल टू की दूसरी साइड पर लेकर जाया जाएगा तो हमें ये स्टेप हासिल होगा। बोथ साइड्स का स्क्वायर लिया जाएगा जिससे हमें ये स्टेप हासिल होगा। -3 को इज इक्वल टू की दूसरी साइड पर लेकर जाने से हमें ये वैल्यू हासिल होगी। 52 को जब 2 के साथ डिवाइड किया जाएगा तो हमें x की वैल्यू 26 हासिल होगी। अब हम इस वैल्यू को चेक करेंगे। चेक करने के लिए वेरिएबल की वैल्यू को ओरिजिनल एक्सप्रेशन में रिप्लेस किया जाएगा जिससे हमें ये स्टेप हासिल होगा। 2 को 26 के साथ मल्टीप्लाई करने पर हमें 52 हासिल होगा। 52 में से 3 को सब्ट्रैक्ट करने पर हमें 49 हासिल होगा। जब हम इस स्टेप को सिंप्लीफाई करेंगे तो हमें बोथ साइड्स सेम हासिल होंगी जिससे हमें ये बात मालूम हो गई कि एक्सप्रेशन ए में एक्स की वैल्यू 26 है। अब हम बी एक्सप्रेशन को डिस्कस करते हैं। इस एक्सप्रेशन को सॉल्व करने के लिए हम बोथ साइड्स का क्यूब लेंगे। क्यूब लेने से हमें ये स्टेप हासिल होगा। वेरिएबल्स को इकट्ठा लिखा जाएगा जबकि कांस्टेंट टर्म्स को इकट्ठा लिखा जाएगा जिससे हमें ये स्टेप हासिल होगा। 2 को -6 के साथ डिवाइड करने पर हमें एक्स की वैल्यू -3 हासिल होगी। अब हम इस वैल्यू को चेक करेंगे। चेक करने के लिए वेरिएबल की वैल्यू को ओरिजिनल एक्सप्रेशन में रिप्लेस किया जाएगा जिससे हमें ये स्टेप हासिल होगा। 3 को -3 के साथ मल्टीप्लाई करने पर हमें ये स्टेप हासिल होगा। ये वैल्यूज चूंकि रियल नंबर्स हैं बिकॉज वी रेस्ट ईच साइड ऑफ द इक्वेशन टू एन ऑड पावर जिससे हमें बी एक्सप्रेशन में एक्स की वैल्यू -3 हासिल होगी और इस एक्सप्रेशन का सोल्यूशन सेट -3 होगा। सो दिस इज द लेसन ऑफ दिस सेशन।